स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। सो इस वीडियो में क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड के पंचदश यानी कि 15वें पार्ट का हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ के टाइटल के साथ। पाठ का टाइटल है पहेलिका यानी कि पहेलियाँ। तो चलिए पहली 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 से शुरू करते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात् कुहंती हरिणाम कुलम किम कुरियात कातरो युद्धे मृगात सिंहः पलायते। इसका अन्वय भी देख लेते हैं। कस्तूरी कस्मात् जायते कह करिणाम कुलम हंती कातरः युद्धे किम कुरियात मृगात सिंहः पलायते। हंती यानी कि मारता है, करिणाम यानी कि हाथियों के, कस्तूरी यानी कि हिरण, जायते यानी कि उत्पन्न होती है, यानी कि कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। कह करिणाम कुलम हंती, हाथियों के कुल को कौन मारता है। कह हंती यानी कि कौन मारता है। कातरह युद्धे किम कुरियात, कातर है यानी कि डरपोक, युद्ध में क्या करता है। तो इन सब का उत्तर है, यही तीन ही इसकी उत्तर है, मृगात यानी कि हिरण, सिंह यानी कि शेर, पलायते यानी कि भागता है। यानी कि कस्तूरी किससे उत्पन्न होता है, हिरण से। हाथियों के कुल को कौन नष्ट करता है, सिंह यानी कि शेर। और कायर युद्ध में क्या करता है, वो भाग जाता है, कायर ही युद्ध से पलायन कर जाता है। तो यही है इन तीनों पहेलियों का उत्तर। अगर हम इंग्लिश में इनका अर्थ देखें तो क्या होगा, फ्रॉम वेयर इज मस्क यानी कि कस्तूरी बॉर्न, हु किल्स द एलिफेंट्स, व्हाट शुड अ कावर्ड डू इन द बैटल, आंसर फ्रॉम अ डियर अ लायन एंड टू रन अवे। आगे देखते हैं दूसरे श्लोक को। सीमंती निशु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तमः विद्वद्भिः का सदा वंद्या अत्रैवोक्तं न बुध्यते। इसका अन्वय इस प्रकार है। सीमंति निशु शांता का गुणोत्तमः राजा कः अभूत् विद्वद्भिः का सदा वंद्या अत्र एव उक्तं न बुध्यते। यानी कि नारियों में शांत कौन है, नारियों में कौन शांत है, गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ है, और विद्वानों द्वारा सदा कौन पूजी जाती है। अत्र एव उक्तम न बुध्यते यानी कि इन्हीं में कहा गया है, पता नहीं चल रहा है। यानी कि इन्हीं में कहा गया है लेकिन पता नहीं चल रहा है। यानी कि इन तीनों पहलुओं का उत्तर इन्हीं में है लेकिन पता नहीं चल रहा है, आपको पता लगाना है। तो चलिए देखते हैं इन सब का उत्तर है। पहला और अंतिम, प्रथम और अंतिम अक्षरों को मिलाया हुआ उत्तर, सीता यानी कि स्त्रियों में शांत कौन है, सीता। विद्वानों द्वारा सदा कौन पूजी जाती है, वी प्लस दिया यानी कि विद्या। तो यही तीन इन पहलियों का उत्तर है, होप आपको समझ में आया होगा। इसका इंग्लिश में अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो देखते हैं, हु इज द क्वाइट अमंग द लेडीज, सीता, आंसर इज सीता। विच इज द किंग हु पोसेस्ड बेस्ट क्वालिटीज, राम, दिस आंसर इज राम। एंड विच इज वर्शिप्ड बाय द लर्नड, यानी कि विद्वानों द्वारा किसको पूजी जाती है। विद्वान हमेशा माँ सरस्वती यानी कि विद्या को पूजते हैं, तो बी प्लस दिया यानी कि विद्या, दिस इज द आंसर लर्नड। आगे देखते हैं तीसरे श्लोक को। कम संजधान कृष्ण का शीतलवाहिनी गंगा के दार पोषण रता क बलवंतम न बाधते शीतम। इसका अन्वय देख लेते हैं। पहले कृष्ण कंसन
सजा कंसन जधान शीतलवाहिनी का गंगा दार पोषण रताह के बलवंतम कम शीतम न बाधते। यानी कि कृष्ण ने किसे मारा, शीतल धारा वाली गंगा कहाँ है और कृषि के पोषण में कौन लगे रहते हैं और किस बलवान को बलवंतम कम शीतम न बाधते, यानी कि किस बलवान को सर्दी नहीं लगती है, यानी कि ठंड नहीं लगती है। यानी कि इसमें पहला शब्द और दूसरे शब्द के पहले अक्षरों को मिलाने से जो शब्द बनेगा वही इन पहलियों का आंसर होगा। कंस यानी कि कृष्ण ने किसको मारा, कंस को। शीतल वाहिनी गंगा कहाँ पर बहती है, काशी में, का प्लस शी यानी कि काशी। केदार यानी कि कृषि के पोषण में कौन लगे रहते हैं, किसान। केदार यानी कि किसान। किस बलवान को सर्दी नहीं लगती, कंबल यानी कि कंबल ओढ़े हुए मनुष्य को ठंड नहीं लगती है। इसका अगर हम इंग्लिश में अनुवाद करें तो इस प्रकार लिखेंगे, Whom did Krishna kill? Answer is Kams. Where is Ganga having cold current? Answer is in Kashi. Who are busy in agriculture? Answer is the farmer. Which strong person does not feel cold? Answer is who puts on blanket. और इसी के साथ में तीसरा श्लोक यहाँ पर समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, चौथे श्लोक को देखते हैं। वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजह त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी त्यग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी जलम न विभ्रन्न घटो न मेघः। इसका अन्वय पहले देखते हैं। वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजह त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी त्यग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी जलम न विभ्रन न घटो न मेघः। चन के वृक्ष पर रहता है लेकिन पक्षीराज यानी कि गरुड़ नहीं है, तीन नेत्र वाला है, त्रिनेत्रधारी यानी कि तीन नेत्र हैं उसके, त्रिनेत्रधारी है लेकिन शिव नहीं है। न च शूलपाणी, शूलपाणी यानी कि भगवान शिव का नाम शूलपाणी, शूल यानी कि त्रिशूल, पाणी यानी कि हाथ, जिनके हाथ में त्रिशूल, त्रिशूल भगवान शिव के हाथ में ही है इसलिए शूलपाणी भगवान शिव को कहा गया है। त्रिनेत्रधारी है, भगवान शिव के ही तीन नेत्र हैं, तो तीन नेत्र है लेकिन शिव नहीं है। छाल के वस्त्र पहनते हैं लेकिन सिद्धि योगी नहीं है। जल से भरा हुआ है लेकिन घड़ा नहीं है। इसका उत्तर है नारियल, यानी कि नारियल वृक्ष पर रहता है, बहुत ऊंचाई पर रहता है लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है, तीन नेत्र वाला है। नारियल की खोली को अगर देखते हैं तो उसमें तीन नेत्र बने होते हैं लेकिन वो भगवान शिव नहीं है, नारियल है। छाल के वस्त्र यानी कि उसके ऊपर नारियल की जटाओं को कहा गया है और नारियल के अंदर जल है लेकिन वो घड़ा नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर नारियल है। इसका अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इस प्रकार, व्हाट इज दैट विच लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द ट्री बट इट इज नॉट गरुड़ा, इट हैज थ्री आईज बट दैट इज नॉट लॉर्ड शिवा, इट हैज क्लॉथेस इन द फॉर्म ऑफ स्किन और फील बट इट इज नॉट एन एस्थेटिक एस्केटिक एंड इट कॉन्टेंस वाटर बट इट इज नीदर अ पिचर नॉर अ क्लाउड एंड इट्स आंसर इज कोकोनट। आगे देखते हैं पांचवें श्लोक को। भोजनान्ते च किं पेयम् जयन्तः कस्य वै सुतः कथम विष्णुपदं प्रोक्तम् तक्रम शक्रस्य दुर्लभम्। इसका अन्वय पहले देखते हैं। भोजनान्ते किं पेयम् च जयन्तः कस्य वै सुतः विष्णुपदं कथम प्रोक्तम्
तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, यानी कि भोजन के अंत में क्या पिया जाता है या क्या पीना चाहिए। जयंत किसका पुत्र था। विष्णुपद यानी कि मोक्ष कैसा कहा गया है, कथम प्रोक्तम यानी कि कैसा कहा गया है, और यही तीन ही इन तीनों पहलियों की आंसर है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, तक्रम यानी कि छाछ को कहा गया है, भोजन के अंत में छाछ पीना चाहिए। जयंत किसका पुत्र है, जयंत शक्र यानी कि इंद्र, इंद्र का पुत्र था जयंत। और मोक्ष कैसा कहा गया है, मोक्ष दुर्लभ, मोक्ष हमेशा दुर्लभ होता है, मोक्ष किसी किसी को ही मिलता है। इसका अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो देखते हैं किस प्रकार करेंगे। What should we drink after the meals? Whose the son? Whose son is Jayant? How is Vishnu's place or heaven said to be? Answer is curd milk or Lord Indra's, of Lord Indra's, or Durlabham means rare or difficult. To achieve, this is the answer of three riddles. और इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।